एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आई हुई हूँ ससुराल और यहाँ पे मैं किचन में बना रही हूँ चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तभी आपको स्वेटर वगैरह पहन रखा है मैंने। और यहाँ पे गंगा जी एक्चुअली पास में है बिल्कुल, तो ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है जहाँ पे मेरी ससुराल है। तो मैं यहाँ किचन में आई हुई हूँ, चाय बना रही हूँ, चाय के साथ साथ जो भी किचन में सामान है उसको मैं समेट रही हूँ। इसी बीच लाइट चली गई और इसके आगे जो है मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, ये है मेरे ससुर जी और ये है मेरी सासू माँ, ये है मेरे हस्बैंड जी। तो सारे लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने एक ये छोटी सी क्लिप जो है वो निकाल ली है। तो सारे लोग यही मतलब डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि मेरी नंद की शादी है। सो आज है नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कृष्णा को रेडी। और उस दिन मैं ब्लॉग को भी कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि नए लोगों के बीच में आके सभी लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे के सामने, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी के सामने मैं कैमरा ऑन करूँ या फिर वीडियो क्लिप्स निकालूँ। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि ससुराल में ब्लॉग बनाओ, इस वजह से मैंने ये थोड़ा बहुत सा जो है ब्लॉग बनाया है। तो आज जो है वो मेरी ननद का रोका है, तो सारे लोग जो है उसी के लिए रेडी हो रहे हैं, तो उसी के लिए मैं कृष्णा को भी रेडी कर रही हूँ। कृष्णा भी अपने पापा के साथ जाएगा बुआ की रोके में, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कृष्णा की बुआ की शादी है, बुआ की शादी है। तो आज जो है मेरी ननद का रोका है, तो इसी वजह से मैं कृष्णा को कर रही हूँ यहाँ पे रेडी। तो चलिए मैं फटाफट से इसको रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। था मैं गई थी ससुराल और ससुराल से मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने वहां पे शूट नहीं किया, कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया था और वेदर चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ, तो तबीयत खराब हो गई थी मेरी भी और कृष्णा की भी। तो वो ये लोग जो है गए थे, जैसे कि मैंने दिखाया रोके में, मेरी ननद का रोका था उसी के लिए हम लोग गए थे। तो फ्राइडे को रोका था, फ्राइडे नहीं सॉरी सैटरडे को रोका था। हम लोग थर्सडे को नाइट में पहुंच चुके थे, फ्राइडे को हम लोगों ने स्टे किया वहां पे और सैटरडे जो था वो रोका था और संडे को हम लोग मॉर्निंग में निकल आए थे क्योंकि कृष्णा के एग्जाम, प्राइवेट जॉब, सबके साथ यही होता है एज यूजुअल, जॉब वाले और स्कूल वाले और कृष्णा के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 13 से। सो उसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और एक ऐसा होता है ना कि ये काम जो है ब्लॉग वाला ये मेरा है, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ आप लोगों के सामने आप लोगों से बात करके, बट हर कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता है कैमरे के सामने आना या फिर कुछ बात करना, बात नहीं करना, इवन आना भी किसी को कंफर्टेबल नहीं लगता है। अगर उसको ये पता चल जाए कि कोई वीडियो बन रही है और सभी को मालूम है कि मैं जो भी कुछ करती हूँ वो यहाँ पे करती हूँ तो वो दिखता है, सो इस वजह से कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता है। और मैं भी किसी से किसी चीज़ की जोर जबरदस्ती नहीं करती हूँ क्योंकि
मुझे इस काम में खुशी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, तो मैं इसलिए उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो में आए या क्लिप निकालो या कुछ भी। इस वजह से फिर मैंने आगे जो है किसी भी तरीके की वीडियो जो है वो नहीं निकाली है। तो फिलहाल तो अभी मेरी ननद का रोका था, और जो शादी है वो कब है वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। शादी जो है वो जनवरी फेब में है, तो फेब में पॉसिबल हो पाया तो मैं डेफिनेटली ब्लॉग बनाऊंगी। आप लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे थे दी ससुराल जाओ तो वहाँ का ब्लॉग जरूर बनाना, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग बनाया। थोड़ा बहुत आपने देख पाया होगा कि वहाँ पे मैंने साड़ी पहनी है, तो हाँ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी ही पहनती हूँ, मुझे वहाँ पे सूट भी अलाउड है फिलहाल। बट मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना, ससुराल जाओ साड़ी पहनो ये सब कुछ करना मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो हम लोग नॉर्मली सूट और सब में रहते ही रहते हैं, बट ससुराल वाली फीलिंग तब आती है ना जब हम ससुराल जाते हैं साड़ी वगैरह पहनते हैं। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी साड़ी पहनी थी और कोई शूट करने वाला नहीं था, तो इस वजह से मैंने प्रॉपर नहीं दिखा पाया इस वजह से। थोड़ी बहुत जो साड़ी जैसी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से साड़ी पहनना भी नहीं आता, बस ठीक ठाक पहननी आती, जिसे बोलते हैं ना काम चलाओ वाला, वो वाला मुझे साड़ी पहनना आता है, तो मैंने वहाँ साड़ी पहनी थी। और रोका वगैरह हो गया है, बहुत अच्छे से रोका वगैरह हुआ है, और बहुत मतलब जिसे बोलते हैं ना बिटिया की शादी है हमारे, और ननद है, बेटी जैसी ही है वो, तो उसकी शादी है, तो बस उसकी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। और शादी के ब्लॉग्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। लेट हो जाता है क्योंकि ये ब्लॉग्स वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे नेट जो है वो चलता ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने इवन एडिटिंग कर ली थी, बट नेट की वजह से मैं वीडियो जो है वो उस दिन पोस्ट नहीं कर पाई। काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सॉरी क्योंकि मैंने वीडियोस तो बना ली थी, बट उसके बाद मैं आज मंडे ट्यूसडे हो गया, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बस इस वजह से। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सारे फ्रेंड ने ऑलमोस्ट जो मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो उन सब ने बिल्कुल सही गेस किया कि दी आप ससुराल गए हुए हो, आप ससुराल गए हुए हो। तो हाँ मैं ससुराल ही गई हुई थी, सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे हम लोग ससुराल। और क्या बोलना है, और वहीं वहां से आते ही हम लोगों को कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, गला एकदम खराब हो गया, कफ हो गया, बहुत मतलब तबीयत खराब हो गई है। तो पहले वाले जो ब्लॉग्स पड़े हुए थे वही मैं एडिट करके आप लोगों के साथ जो है वो पोस्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने पूजा वगैरह करी है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, चाय वगैरह ले ली है, पी ली है। और आप लोगों का ठंड कैसी जा रही है, आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है मुझे जरूर बताइएगा। तो बस यही बताना था कि मैं लौट चुकी हूँ अपने देश वो बोलते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, तो मैं अपने घर को ही आ चुकी हूँ। ससुराल में सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी और बहुत खुशी हो रही है। बिटिया की शादी है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, उनकी भी तैयारी करनी है, सारा कुछ खरीदना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा, घर में किसी की शादी हो तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मैं एक 2 महीने पहले ही सोचना शुरू कर देती हूँ क्या लेना है क्या पहनना है, तो कुछ इसी तरीके की एक्साइटमेंट मेरे साथ भी है। तो बहुत ज़्यादा मतलब गले में ना बहुत ज़्यादा हो गया है, और बस यही सब कुछ चल रहा है। तो यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, लाइक में कंजूसी मत करो, लाइक ये जो होता है ना इस तरीके से उसको लाइक करना, ये वाला लाइक मत करना, ये वाला लाइक कर दो। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।